हेलो गाइस, तो ये है माय हर्मेस एंटायरली फीमेल डीमन विलन्स का एपिसोड 20 जो सच में तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो थोड़ा सा मुस्कुराकर हम अपनी इस प्यारी सी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो शिया यूएन है वो अपने कपड़े लेकर वहां से भागने वाली होती है, लेकिन तभी हमारा वुचन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने कोई कपड़े नहीं पहने और तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। शिया यूएन कहती है कि मुझे जाने दोस्तों। हमारा हीरो कहता है कि पहले थोड़े कपड़े पहन लो और फिर यहाँ से जाना। एंड तभी वहाँ पर सिल्वी आ जाती है जो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। सोने उसे लगता है कि ये दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। सो सिल्वी को वुचन पर गुस्सा आ जाता है एंड फिर सिल्वी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होती है। सो वुचन सिल्वी को समझाते हुए कहता है कि मेरी बात तो सुनो सिल्वी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। एंड सिल्वी को इतना गुस्से में देखकर जो शिया यूएन है वो समझ जाती है कि वुचन की पहले से ही एक बीवी है। एंड शिया यूएन वुचन से कहती है कि जब तुम्हारे पास पहले से एक बीवी थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। शिया यूएन की ये बात सुनकर सिल्वी समझ जाती है कि वुचन ने शिया यूएन से शादी कर ली है। एंड फिर सिल्वी वुचन से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी किसी डीमन से शादी कर लोगे। एंड सो वुचन कहता है कि हाँ, मैंने शिया यूएन से शादी कर ली है और मैं शिया यूएन को इसीलिए पकड़ रहा था भागने से क्योंकि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। एंड फिर शिया यूएन अपने कपड़े पहनकर वुचन से कहती है कि तुम बहुत ही ठरके इंसान हो। सो हमारा वुचन उससे कहता है कि तुम अपने मैजिक से उस रिंग को अपने हाथों से निकालना चाहती थी एंड उसके बाद तुम्हारा मैजिक गलत हो गया, सो उसमें मेरी क्या गलती। एंड फिर शिया यूएन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैंने तुमसे शादी एक्सेप्ट कर ली है, मैं कभी भी नहीं मानूंगी कि तुम मेरे पति हो और देखना कि मैं एक दिन तुम्हारे इस चंगुल से आजाद होकर तुम्हें डाइवोर्स देकर रहूंगी। एंड फिर वो शिया यूएन वहां से जाने लगती है और कहती है वुचन से कि जाओ अपनी पहली बीवी के साथ वक्त गुजारो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। एंड फिर वो वहां से चली जाती है और हमारा वुचन उसे जाते हुए देख रहा होता है। एंड फिर वुचन सिल्वी से पूछता है कि तुम यहाँ अचानक क्या कर रही हो सिल्वी, तुम तो लिटिया के साथ उसकी काम में मदद कर रही थी। सो सिल्वी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। एंड फिर सिल्वी वुचन से कहती है कि यहाँ आओ और उसकी वैसी बात को सुनकर वुचन समझ जाता है कि सिल्वी उससे बहुत ज्यादा नाराज है। एंड फिर वुचन सिल्वी को मस्का लगाने लगता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ मेरी जान। एंड फिर वुचन सिल्वी से कहता है कि ओ क्या हुआ मेरी जान, मेरी डीमनेस के साथ शादी से नाराज है। सो सिल्वी कहती है कि मुझसे बात मत करो और यहाँ से चले जाओ अपनी उस डीमनेस वाइफ के पास। वुचन कहता है कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ। एंड फिर सिल्वी वुचन से पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने पिछली बार कितनी सारी गॉडेसेस के साथ शादी की थी। एंड वुचन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो सोच रहा होता है मैं उस गेम को खेलने में इतना ज्यादा मस्त हो गया था कि मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी सारी गॉडेसेस को अपना पार्टनर बनाया। एंड तभी सिल्वी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझसे झूठ बोलने के बारे में तो बिल्कुल सोचना भी मत, और मुझे पता है कि तुमने कई सारी गॉडेसेस को अपना पार्टनर बनाया है, इसी वजह से अब गॉडेसेस ने तुम्हें पकड़ने के लिए एक जस्टिस लीग ऑफ अवेंजर्स बना ली है। सो वुचन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात को तुम उनसे कैसे एक्सप्लेन करूं। एंड सिल्वी उससे फिर कहती है कि तुम्हारी उस ड्रैगन गॉडेसेस दोस्त ने मुझे उसकी जस्टिस लीग ऑफ अवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए कहा और उन्होंने सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए 100 मिलियन प्लेटिनम कॉइंस का इनाम रखा है। आखिर तुमने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से वो सारी गॉडेसेस तुमसे इतना ज्यादा नफरत करती हैं। एंड फिर वुचन सोचने लगता है कि सच में सिल्वी मैं तुम्हें ऐसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एंड फिर वो सोचने लगता है कि मैंने उस गॉड टियर वेडिंग रिंग्स को पाने के लिए यानी डीमनेस से शादी करने के लिए एक हफ्ते तक लगातार उस गेम को खेलता रहा और सारी की सारी गॉडेसेस को अपना पार्टनर बनाता रहा और मैंने उस गेम को इतना खेला कि मैं अब उस गेम का मास्टर बन गया हूं। एंड जो दूसरे गेमर्स थे वो भी डीमनेसेस को शादी करना चाहते थे इसीलिए वो भी सारी गॉडेसेस को अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं उस गेम को दिन रात खेलता रहा और मैंने बहुत मेहनत करके उन सारी की सारी गॉडेसेस को अपना पार्टनर बना लिया। एंड फिर वुचन सोचने लगता है कि उसके बाद मैं अचानक इस दुनिया में आ गया, इस डीमन वर्ल्ड में आ गया, तो उन सारी गॉडेसेस के लिए तो मैं एक बहुत बड़ा हरामखोर यानी ठरकी इंसान होऊंगा जो सारी लड़कियों के दिलों के साथ खेलता रहता है। एंड फिर वो सोचता है कि आखिर गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन ने दूसरी सारी गॉडेसेस की मेमोरीज को क्यों इरेज नहीं किया जैसे उन्होंने डीमनेसेस की सारी यादों को मिटा दिया था जब वो मेरे साथ थी। एंड फिर हम यहाँ फिर सिल्वी को देखते हैं जो वुचन से कह रही होती है कि जो गॉडेसेस हैं वो अभी भी ये प्लान कर रही हैं कि आखिर वो तुम्हें कैसे पकड़ें। एंड फिर सिल्वी कहती है कि कुछ गॉडेसेस तुम्हें पकड़कर खोलते हुए तेल में उबालना चाहती हैं तो कुछ गॉडेसेस तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा देना चाहती हैं। उसकी ये बात सुनकर वुचन कहता है कि सब खत्म, मेरे तो लग गए। और तभी सिल्वी वुचन को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरे प्यारे वुचन, मैं उन सारी गॉडेसेस से बिल्कुल अलग हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और मैं किसी को तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी।
तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और सिल्वी का इतना खतरनाक रूप देखकर तो भैया मैं भी डर गया हूँ। वो भूचन को बहुत ज्यादा कसकर पकड़े हुए होती है एंड भूचन उससे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। एंड फिर सिल्वी भूचन को अपने सीने से लगा लेती है और उसे कहती है जब हम दोनों ही एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो हम दोनों का एक बच्चा तो होना ही चाहिए। एंड फिर सिल्वी ख्यालों ख्वाबों में डूब जाती है कि आखिर मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूंगी। एंड यहाँ पर हमारा प्यारा भूचन तो भैया सांस ही नहीं ले पा रहा होता है क्योंकि सिल्वी उसे बहुत ही कस कर अपने सीने से लगाए हुए थी। एंड तभी अचानक वहां से थोड़ा दूर हटा देता है सिल्वी को और कहता है कि अब मैं सांस ले सकता हूँ। हाँ, एंड फिर सिल्वी भूचन से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने थोड़ा अपना कंट्रोल खो दिया था, मुझे माफ कर दो। भूचन कहता है कि कोई बात नहीं। एंड फिर सिल्वी कहती है कि मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था क्योंकि मुझे ये ख्वाब आ गया था कि जो दूसरी गॉडेसेस हैं वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगी, दूर ले जाएंगी मुझे तुमसे। मैं सच में भूचन तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ। एंड उसकी ये बात सुनकर भूचन उसे गले लगा लेता है। एंड फिर भूचन उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है सिल्वी, मैं इसे सिर्फ बहुत पहले एक गेम ही समझता था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं शियायन से कहूँगा कि वो हमारे लिए वेडिंग रिंग्स बना दे जिससे हम दोनों शादी कर सकें और जब मेरा मिशन खत्म हो जाएगा उसके थोड़े ही टाइम बाद हम दोनों शादी कर लेंगे सिल्वी। एंड मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत ही ज़्यादा पेन सहना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो सिल्वी, मेरी वजह से तुम 1000 साल तक बहुत ज़्यादा सफ़र करती रहीं। सो सिल्वी उसकी ऐसी बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि कोई बात नहीं भूचन। एंड उसके बाद सिल्वी भूचन से कहती है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा बेहतर फील हो रहा है। एंड ऐसे ही उन दोनों को प्यार भरी बातें करते हुए 1 घंटा बीत जाता है। एंड फिर सिल्वी कहती है कि अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी भी लिथिया के साथ थोड़ा काम करना बाकी है। एंड फिर सिल्वी कहती है कि मैंने तुम्हें जो ये मटेरियल दिया है इसे हमारी वेडिंग रिंग्स में मिलाना मत भूल जाना, ओके। भूचन कहता है कि ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं कि सिल्वी ने उसे कोई फल टाइप दिया होता है एंड इस फल का नाम है एल्ब सीड ऑफ विटैलिटी। एंड ये खाने से आपका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि जो भूचन है उस फल को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि सिल्वी क्या तुम उपजाऊपन की गॉडेसेस बनना चाहती हो, क्योंकि गाइस ये जो फल है इससे प्रजनन क्षमता काफी अच्छी हो जाती है। एंड दूसरी तरफ हम सिल्वी को देखते हैं जो काफी खुश थी। एंड तभी सिल्वी कहती है कि नहीं, मुझे इतना खुश बिहेव नहीं करना चाहिए वरना किसी को शक हो जाएगा कि आखिर मैं इतनी खुश क्यों हूँ। एंड फिर वो अपना चेहरा थोड़ा बदल लेती है और थोड़ा गुस्से टाइप का सीरियस टाइप कर लेती है। एंड फिर हम देखते हैं कि सीन बदलता है और रात हो गई है। एंड फिर हम चलते हैं सीधे शियायन के रूम में। एंड शियायन कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी एंड मैं तुम्हें गेम में हरा कर ही रहूंगी भूचन। एंड उसके बाद शियायन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है उस गेम को खेलने में, उसमें मास्टरी करने में। एंड फिर वो चिल्ला कर कहती है कि मैं तुम्हें इस गेम में हरा कर अपना ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लूंगी और फिर तुम्हें अपना पर्सनल गुलाम बनाऊंगी। एंड उसी टाइम पर हम लिटिया के रूम में देखते हैं कि लिटिया एक बुक पढ़ रही होती है जिस बुक का नाम है लव मास्टर। एंड हम देखते हैं कि लिटिया ये बुक इसीलिए पढ़ रही है क्योंकि वो भूचन को पटाना चाहती है एंड ये जानना चाहती है कि आखिर जो इंसान एक दूसरे से रोमांस करते हैं वो आखिर काम कैसे करता है, उनकी अट्रैक्शन, यू नो, बाकी बहुत सारी चीजें। एंड फिर वो उस बुक को रात भर पढ़ती रहती है और उसके बाद उसे एक कंक्लूजन मिलता है, सारांश, कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं भैया। एंड यहीं पर हमारा जो प्यारा सा एपिसोड है वो द एंड हो जाता है। सो प्लीज यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके टाटा। हे, मत मुस्कुराना, मत भूल जाना, ओके?